बिल्डर हैं, कितनी आपकी जमीन कब्जाई हुई है, किसके इशारे पे कब्जाई हुई है? हम वेव सिटी बिल्डर के खिलाफ आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। वेव सिटी बिल्डर ने प्रशासन के सहयोग से हमारी लगभग 231 किसानों की जमीनों को कब्जा रखा। ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिन्होंने कचाड़ा गांव में अपनी जमीन समझौते से या पूरी तरह बेची नहीं है या समझौते से छूटी हुई है, लेकिन पिछले साल 26 अक्टूबर को बिल्डर ने प्रशासन की मदद से सीओ और एसडीएम में मौके पर जा रहे किसानों पर लाठी चलाकर 86 किसानों को जेल भेज कर लगातार 3 दिन तक हम लोगों की जमीनें कब्जाई हुई है वेव सिटी बिल्डर ने। हम चाहते हैं कि वेव सिटी बिल्डर के कब्जे से प्रशासन हमारी जमीनों को मुक्त कराए, हमें नाली और रास्ते की व्यवस्था के साथ हमारी जमीनें वापस मिले। गांव का मुख्य नाला जिस तक पूरे गांव का पानी निकलता है इसको बिल्डर ने मिट्टी भर कर पाट दिया, उसको साफ कराया जाए और हम किसानों को जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस हो और बिल्डर ने जो जमीन कब्जाई है उस पर भूमाफिया का मुकदमा दायर कर दिया जाए और उसे जेल भेजा जाए। जो किसानों की जमीन ले लिया उसका मुआवजा दिया गया है? प्रशासन का कहना बिल्कुल ठीक है, जो जमीन है हमने बेची है वो बिल्डर को दे दी जाए जिसका हमने मुआवजा लिया, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जमीन हमने नहीं बेची है वो हमें वापस की जाए, बस इतनी सी बात है। कितनी जमीन है जो बिल्डर ने कब्जाई हुई है? ऐसी लगभग 80 एकड़ भूमि है जो बिल्डर ने कब्जाई हुई है, उसका कोई मुआवजा? 231 लोग ऐसे हैं जो अपने उस 80 एकड़ भूमि को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं पिछले 11 महीने से, कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत सारी हमने इसमें जो लिखित में कार्रवाई जिला प्रशासन से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक दी हुई है, लेकिन अभी तक हमें हमारी जमीन मिलने की कार्रवाई नहीं चल रही। कितने समय से जो है धरने पर बैठे हैं, धरने पर बैठने का कारण क्या है आपका? जो हम धरने पर बैठे हुए हैं 2 अक्टूबर से, 26 अक्टूबर 2018 को हमारे गांव में बिल्डर ने शासन और प्रशासन की मिलीभगत से। कौन सा बिल्डर है, नाम क्या है? बिल्डर है वेव सिटी उपल चड्डा, जिसने शासन और प्रशासन के माध्यम से जबरन 26 तारीख को गांव वालों पे, बुजुर्गों पे लाठियां बजाई, लाठियां भी इतनी बजाई हम 14 दिन जेल रहे, जिनमें मैं 65 वर्ष का बुजुर्ग भी सम्मिलित हूँ। अस्पताल में, कारागार के अस्पताल में 14 दिन तक अस्पताल में रहा हूँ, आज तक भी ठीक नहीं हूँ। जबरन कब्जा किया, पकी हुई फसल धान की जो नष्ट कर दी, अपनी तो अपनी और जो किसान की बची हुई जमीन थी उसकी फसल भी नष्ट कर दी और आज तक उस पर कोई भी कब्जा नहीं लग दिया। कितने दिन से धरने पर बैठे हो? 11 महीने हमें धरने पर बैठे हुए। आपकी जमीन नहीं मिलती तो नहीं तो आंदोलन करेंगे, धरने बनने को तैयार हैं, हम तो देख रहे हैं, कोई मदद करे ना मदद करेगा तो अपनी जमीन पर तो मरना है। जो फसल आपकी नष्ट करी थी क्या रीजन था या जो कब्जा करा था प्रशासन? रीजन कुछ नहीं था, हमें किसी तरह का भी उन्होंने आदेश नहीं किया, किसी तरह की सूचना भी नहीं दी। क्या वो बिल्डर की जमीन खरीदी हुई जमीन थी? बिल्डर की भी जमीन थी उसमें और किसानों की भी जमीन थी, बिल्डर अपनी था। तो उससे जो है काम का जो विकास है किस तरह से प्रभावित है, जैसे बताए रोड सब कुछ ठप है, वो अपना काम कर रहा, बिल्डर अपनी जमीन पे तो अपनी पे तो हमारी पे भी काम शुरू कर रखा और उस आदेश की कॉपी चाहिए हमें, जिससे के आदेश से हमने सीओ और एसडीएम ने हम पर लठ भजवाया और हमारी जमीन कब जाएगी। कितने लोग गए थे उस काम करने? 86 लोग थे। महिलाएं नहीं थी? नहीं महिलाएं नहीं थी, महिला महिला तो पिट के गांव में ही रह गई, पुलिस लाइन से वापस भेज दें। मेरा मैं पीड़ित किसान कचड़ा वारसाबाद का, जो आज मैं 12 महीने से लगभग धरना स्थल हूँ, जो हमारी फसल लगभग 3500 बीघे जो फसल नष्ट की पकी पकाई, जिसमें मात्र 5 दिन का अंतर था, अगर जो जमीन हमने बेचा भी नहीं उसका मुआवजा 1 रुपया भी नहीं लिया, उसको भी नष्ट किया और बिल्डर ने अपने में कब्जा ले लिया, पूरे कूण गांव पे संपूर्ण भाग पर ही कब्जा ले चुका है बिल्डर। और हमारी मांग है शासन प्रशासन से लगातार करते रहे और कर भी रहे, जो हम न्याय की प्रणाली की तरफ अपना अग्रसर हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं जो फसल हमने बेची नहीं है वो हमारा मौलिक अधिकार, हमें उसे मिलना चाहिए और उसे खारिज करानी चाहिए। बाकी हम एसडीएम और डीएम से काफ़ी बार वार्ता और मिला गए पर हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरी बात को इस सीएम या प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाए और हम पीड़ित किसानों को न्याय दिलाया जाए।